अस्सलाम वालेकुम, रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल अंडा, वो भी हम दाल कुकर में बनाएंगे। स्टार्ट में इसके लिए मैंने लिए 6 टेबलस्पून मैंने मूंग की दाल ली है, 6 टेबलस्पून मसूर की दाल ली है और 3 टेबलस्पून मैंने तुअर की दाल ली है। मैं तुअर की दाल कम यूज़ करती हूँ। अब हम इसे पूरा कुकर में डाल के इसे धो लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से धोकर इसके अंदर पानी डाला है। अब मैंने लिया है एक प्याज ली, उसे कट किया है, वो इसके अंदर डाल देंगे। ये 3 टमाटर लिए हैं, उसे भी धोकर मैंने कट किया है, वो इसमें डाल देंगे। यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, यहाँ पे लिया है जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून कांदा लहसुन मसाला लिया है, जो आप यूज़ करते हो वो वाली रेड चिली पाउडर ले लेना। अब हम इसके लीड लगाकर इसके 5-6 सीटियाँ ले लेंगे। ये देखिए, मैंने कुकर गैस पर रखा है, गैस ऑन किया है। अब 5 सीटियाँ हम ले लेंगे इसकी। 6 सीटियाँ हो गई है, गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम निकाल लेंगे। ये देखिए, कुकर ठंडा हो गया मैंने देखा। और आपके पास अगर ब्लेंडर होगा या दाल घुटनी होगी, उससे आप इसमें घुमा सकते हो। वो ये देखो, अगर आपको पतली चाहिए हो पतली कर सकते हो, और पानी डालकर गाढ़ी चाहिए तो गाढ़ी भी रख सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, गैस ऑन किया है। हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। आपको जितना चाहिए उतना आप इसमें डाल सकते हो। गैस की फ्लेम को हम कम कर देंगे, हमारा तेल गर्म हुआ है। अब मैं इसके अंदर ये जीरा और राई डाल देती हूँ। साथ ही इसमें मैंने करी पत्ते कट किए हैं। आपको ऐसे ही पूरे डालने होंगे तो ऐसे ही डाल सकते हो, पर मैं हमेशा कट करके डालती हूँ। फिर हम इसमें ये थोड़ा हरा धनिया कट किया हुआ वो भी डाल देंगे, उससे टेस्ट अच्छी आती है। फिर हम इसमें ये दाल डाल देंगे। ये देखिए, मैंने दाल डाल दिया। अब इसमें इसको हमें बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा फिर हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे। जब इसमें उबाल आएगा तब हम इसमें अंडे डाल देंगे। ये देखिए, इसे उबाल आया है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं, ये 4 अंडे लिए हैं। आपको जितने चाहिए उतने आप अंडे इसके अंदर ले सकते हो। और डायरेक्ट आप इसमें कढ़ाई में भी थोड़ा थोड़ा करके सा इधर इधर ऐसा डाल सकते हो, पर मैंने कैसा इसके अंदर मैंने डाला है, इसमें मैंने फोड़ा है। तो अब हम इसमें ऐसे डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और इसे हम दूर दूर डालेंगे। और दाल आप कोई भी ले सकते हो, जो आप डेली घर में खाते हो वो ले सकते हैं। अब मैं इसे ढक करके 10 मिनट रख दूंगी। ये देखिए, 10 मिनट हो गए, मैं गैस के फ्लेम को बंद कर देती हूँ। और इसमें से एक ये अंडा डाल देती हूँ, टेस्ट करके बताती हूँ आपको। बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी ज़रूर इसे बनाना। मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।